अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन। सर, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता क्या है और सैटेलाइट सबसे पहले क्या होता है? स्टूडेंट, सैटेलाइट बेसिकली आपके पास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे या मूव करे उसके ऑर्बिट में, तो उसे हम कहेंगे सैटेलाइट, दैट इज नॉट सैटेलाइट। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ये फ्लोचार्ट डायग्राम, सैटेलाइट की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सर, नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से होते हैं? नेचुरल सैटेलाइट जैसा कि अर्थ का जो है मून, ऐसे बाकी प्लैनेट्स के भी मून होते हैं, तो मून चूंकि अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड मूव करता है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो खुद भेजे गए होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, मैंने लिखा होगी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर द ऑब्जेक्ट्स विच स्टे इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट, सैटेलाइट भेजे क्यों जाते हैं? सैटेलाइट्स के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, यहाँ पर मैंने इसके यूजेस भी लिखे हैं, यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स। देखें स्टूडेंट, सैटेलाइट्स को पिक्चर्स लेने के लिए भी भेजा जाता है ताकि वो वेदर को प्रेडिक्ट कर सकें, ताकि हमारी जो भी फसलें जो होती हैं, जो भी क्रॉप्स हैं, उनके लिए कौन सा जो मौसम है वो कैसे मौजूद होगा या क्या होगा, तो इन पर्पस के लिए भी हमारे पास सैटेलाइट इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके पास दूसरे नंबर पर आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसा कि आपकी केबल नेटवर्किंग, आपका टेलीविजन, ये तमाम जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में आता है, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द अर्थ कैसे आपने जो है वो कम्युनिकेशन फैलानी है, तो इसके लिए भी सैटेलाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड हमारे पास होता है जो कि इसी की टाइप है, वो है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट बेसिकली काम आते हैं जैसे कि शिप्स के, एयरक्राफ्ट्स के, ताकि उन्हें अपना जो एक कहना चाहिए एक एयर ट्रैफिकिंग है वो उन्हें पता लगे और वो अपने एक पर्टिकुलर जोन्स के अंदर जो है वो फ्लाई करें और सेफली फ्लाई कर सकें। चौथी हमारे पास स्टूडेंट अगर आप देखें तो वो है हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ होती है, वो है हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप भी सैटेलाइट ही है और इसमें खास तौर पे ये स्पेस को जो है, स्पेस की जो है पिक्चर्स या स्पेस का जो भी हाल है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ, सैटेलाइट भेजा कैसे जाता है। सैटेलाइट को और रॉकेट के जरिए अर्थ के ऑर्बिट में डाला जाता है और वहाँ से फिर उसकी जिम्मेदारी यानी कि ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसे अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड घुमाता है, ठीक है। और आपको पता है जब वो एक सर्कुलर शेप में या सर्कुलर सर्किल में मूव करता है तो उसके अंदर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगी, जाहिर सी बात है वो काम जो है वो ग्रेविटेशनल, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है तो वो उसको मूव कराता है। आपको पता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है के सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पर ये मैंने जो जी लिखा है इक्वल टू जी इस एक्सेलरेशन को लिया है, वो इसलिए लिया है कि जो ऑर्बिट में जो है हमारे पास सैटेलाइट जो मूव करता है वो ऑन द बिहाफ ऑफ ग्रेविटेशनल पुल के, यानी कि इसमें जो भी एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो जी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन वन मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर तो वन ही आ जाएगा, वी स्क्वायर ही आ जाएगा, तो इक्वेशन हो गई जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट जी आर आ जाएगा। अब जी क्या है? जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि मैंने लिखी हुई है। आर जो कैपिटल आर है ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखूँ आर ई तो वो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है हमारे पास? 6.4 × 10⁶ मीटर। इन दोनों की वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही होगी 7.9 किलोमीटर्स पर सेकंड या 7900 मीटर पर सेकंड, यानी कि 7.9 किलोमीटर पर सेकंड ये ऑर्बिटल स्पीड, ये स्पीड है और ये क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहलाती है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट एन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल सैटेलाइट, यानी कि वो मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए होती है किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट करने के लिए किसकी मदद से? रॉकेट की मदद से, तो वो इतनी होनी चाहिए 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट, जितना ज़्यादा आप सैटेलाइट को ऊंचा यानी कि हाइट पर ज़्यादा देंगे तो उतना वो कम स्पीड लेगा उसको मूव करने के लिए, लेकिन उतना ही देर से भी होगा, यानी कि उसका जो एक पूरा वन रोटेशन होगी वो उतनी ही देर से कम्प्लीट होगी जितनी ज़्यादा हाइट होगी।
तो जो मिनिमम क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है अर्थ के, यानी कि कम से कम हाइट पे जो है हमारे पास जो सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ, वो है हमारे पास 400 किलोमीटर, यानी कि कम से कम इतनी हाइट पे मौजूद है। और फिर भी जो हमने मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना बोल गया था, नेविगेशन में जीपीएस आता है, जीपीएस जो है वो 24 सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जीपीएस इतना परफेक्ट है हमारे पास कि ये किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को विदिन अ 1 मीटर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बताता है। और इसको आप रिसीवर क्या आपका मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन पर भी आप देखते हैं कि आप जीपीएस आप लोग अपने लोकेशन ऑन करते हैं और अपना इंटरनेट ऑन करते हैं तो आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस सेटेलाइट के जरिए आपको अपनी पोजिशन का पता लग जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन। थैंक यू।